Hello everyone, good afternoon. So I welcome you all to the New Light Need channel. Jobi, so I joined Can you all see these slides and can you all hear me? Okay. Good afternoon, Preeti, Namrata, Shivam, Deepak, Satyanshu. Good afternoon, everyone. थैंक यू थैंक यू नम्रता सो आई एम भावना योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एंड आई है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्या होगा सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे बेटा उसमें हम, हम ये कॉन्टिन्यू करेंगे एंड मोस्ट रैबली मोस्ट रैबली क्या पक्का पक्का आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी दो कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज कल की क्लास में पढ़ चुके थे आज हमें बाकी बची हुई दो कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड वैंट ऑफ करेक्शन फैक्टर पढ़ना है इतना हमको पढ़ना है ओके सो नीलम इज ऑल्सो हेयर प्रिया धर्मेंद्र सो दिस इज अटेंडेंस टाइम वेबी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून और कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनाक्षी ओके okay. तो क्षी भी आ गई है ज्योति ज्योति तुमने नाम उल्टा क्यों कर लिया बेटा कितना पता है दिमाग लगाना पड़ा मुझे अभी ज्योति पढ़ने के लिए ओके गुड आफ्टरनून ऋषु आयुष पूजा सिद्धि हेलो हेलो एवरीवन। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाकी बच्चे ज्वाइन इन करते रहेंगे ऑफ़ फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है कल हमने एलिवेशन पढ़ा था और रिलेटिव प्रेशर था अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट एनसीआर लेके बैठना एनसीआरटी का ट्वेल्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन दैट वी आर रीडिंग ओके इज ऑल्सो हेयर आशु आकाश रविंदर तल ओके गुड आफ्टरनून सो so, हम यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें बेटा सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पूरे टॉपिक को कुछ भी समझने से पहले जस्ट अंडरस्टैंड दिस ग्राफ मतलब इन्होंने जो भी कहानी लिखी है ना वो कहानी समझने के लिए ग्राफ समझना है अगर ग्राफ समझ आ गया तो कहानी भी समझ में आ जाएगी थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं NCERT का ये फिगर 2.8 है सी फिगर 2.8 पेज नंबर अलग हो सकता है तो उस पे बहस नहीं करेंगे किसका कौन सा पेज नंबर है चैप्टर बता दिया मैंने ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का NCERT बुक का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन उसका सेकंड चैप्टर है तो फिगर 2.8 की हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो ये ग्राफ प्लॉट होगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर का कायदे से आप प्योर जो सॉल्वेंट था उस पर फोकस करो सी ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कुछ वैल्यू आ गया यानी उसका वेपर प्रेशर हमें पता चल गया मान लो कोई भी एक वैल्यू तुमको मिल गई थी फिर जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया सो वी नो दैट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये बात हमने कल भी पढ़ी थी समझ में आई थी हमको क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे

वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बढ़ रहा है अब देखो हमने रिलेटिव पढ़ा था हमको पता है कि जब हम कोई नॉन सॉल्यूट डाल देंगे तो तो सॉल्यूशन so, so, लेते हो सी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे प्योर सॉल्वेंट से कम होगा तो यहाँ पे एक नीचे की लाइन आ जाएगी ये आ जाएगी फॉर सॉल्यूशन मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे अगर मैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखती हूँ तो वो यहाँ कहीं होगा यानी कम वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की और अगर मैं सॉल्वेंट के लिए देखती हूँ तो वो यहाँ होगी यानी ज्यादा वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू तो दोनों की बढ़ेगी लेकिन वो गैप मेंटेन रहेगा कि वैल्यू उसी तरीके से दोनों की बढ़ गई चाहे प्योर सॉल्वेंट था चाहे सॉल्यूशन था तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि ऊपर वाला ग्राफ सॉल्वेंट का नीचे वाला ग्राफ सॉल्यूशन का रहेगा अब बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन की फ्रीज करना है बेटा किसी चीज को तो जब फ्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है सॉल्वेंट फ्रीज होगा चलो अच्छा एक सिंपल सी बात समझते हैं देखो अब मुझे बताओ क्या तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे रुअ की आइसक्रीम जमा के खाई है रु या रसना की आइसक्रीम जमा के खाई है कभी तुमने बचपन में मतलब याद करो जब हम नॉट सो so अमीर थे कि हम ऐसे कोई बाहर की ऐसे आइसक्रीम खरीद के खा पा रहे थे तब घर में कई बार मम्मी ने ऐसी रुअ की आइसक्रीम बना दी होगी कस्टर्ड की आइसक्रीम बना दी होगी रसना की आइसक्रीम हाँ बिल्कुल रसना की रसना वाली तो बहुत ही अच्छी लगती थी वो बिल्कुल वो ऑरेंज वाली जो लॉलीज टाइप की आइसक्रीम आती है वैसा सा टेस्ट आ गया था याद करो खाया है कि नहीं अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा तो तुमको ये समझ में आएगा अब चार पांच बच्चों ने खाया है फिर उन्हीं को समझ में आएगा मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं करते हो ना एक तो सारा दिन किताब खोल के किताबों में पड़े रहते हो आइसक्रीम नहीं खाई है तुमने रू की तो क्या ही करोगे बेटा लाइफ में अब जिसने नहीं खाई वो आज भाई रूअ अफजा लाए मुझे नहीं पता रुअ अफजा लाए रसना लाए रसना बनाए रू अफजा बनाए और उसमें गिलास में किसी में भी एक स्टिक डाल के आइसक्रीम जमाए और खाए अब बात समझेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है देखो बेटा जब मैंने यहाँ पे पानी के गिलास लिया इसमें पानी भरा फिर इसके अंदर मैंने रसना रुअ अफजा डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस मिक्स करा घोल दिया फिर मैंने इसको जमने के लिए रख दिया अब मैंने फ्रीजर में जब इसको चार पांच घंटे बाद निकाला तो ये आइसक्रीम जम गई तो कौन जमा पानी जमा रसना और रुवजा तो उसके अंदर ट्रैप हो गए आइस जो है आइस या फिर जो पर्टिकुलर वॉटर था वो फ्रीज हुआ है तो आपको ये बात दिमाग में क्लियर रखनी है कि सॉल्वेंट ही है जो फ्रीज होता है तो यहाँ पे जब आप सॉल्वेंट को फ्रीज करते हो तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसके स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाते हैं जैसे आइस का स्ट्रक्चर सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बीच में गैप्स तो उन गैप्स के बीच में रसना रूअा के पार्टिकल बीच में फिक्स हो गए हैं फ्रीजर ही नहीं है घर में चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम इमेजिन करो जो चीज हमारे पास ना हो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं इमेजिनेशन की दुनिया में सब कुछ बहुत सस्ता है बेटा एवरीथिंग इज फ्री कुछ मर्जी इमेजिन करो करने में क्या जा रहा है तो अब पे जिनके पास नहीं है घर में फ्रीजर जिन्होंने कभी नहीं खाई है वो दो मिनट के लिए इमेजिन करेंगे कि हमने एक रुअजा रसना पानी में घोला और इसे जमा दिया तो so, मुद्दा यहाँ पे ये है कि पानी जम चुका है अब पानी अगर जम गया है तो रसना या रुअफा के जो पार्टिकल्स थे वो बीच में ट्रैप हो गए हैं अब वो बीच में ट्रैप हो गए हैं तो उससे फ्लेवर आएगा तो एक्चुअल में फ्रोजन कौन हुआ है फ्रोजन तो सॉल्वेंट ही हुआ है ये बात ध्यान रखेंगे तो जब यहाँ पे आप सॉलिडिफिकेशन की बात करते हो

टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो लिक्विड से वो गैस में जा रहा था तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था जब तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो फ्रीज कर रहे हो तो वो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो ये ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा जिसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है अब सॉल्यूशन जो मैंने बनाया मतलब रसना या रूह का जो घोल बनाया है हमने वो यहाँ पे इस तरीके से वेपर प्रेशर कम करता हुआ जाएगा एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ग्राफ को टच कर जाएगी वो लाइन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ग्राफ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको मिल जाएगा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि ये यहां से इसके आगे दोनों का प्लॉट सेम है एक बार ये यहां तक पहुंच गया तो दोनों का ही प्लॉट सेम हो जाएगा मतलब अगर मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊं ध्यान से समझो सॉल्यूशन का जब फ्रीज हुआ तो जो ग्राफ था वो एक्चुअल में ऐसा फिर उसके बाद इधर ऐसा तो ये वाला जो पार्ट है ना ये दोनों में कॉमन है तो चाहे हम सॉल्वेंट की बात करें चाहे हम सॉल्यूशन की बात करें ये वाला पार्ट जो इधर बनाया दिस इज कॉमन तो एक्चुअल में तो सॉल्वेंट ही है जो फ्रीज हो रहा है तो ये वाला पॉइंट मुझे इंटरसेक्शन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन दे देगा अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया है तुमको प्योर सॉल्वेंट जो था वो इससे पहले ही फ्रीज हो चुका था क्योंकि जब उसका वेपर प्रेशर जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर ग्राफ को ये जो इसका सॉलिड स्टेट वाला ग्राफ है इस पर्टिकुलर ग्राफ को जब वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से हम निकालेंगे परपेंडिकुलर तो हमको मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, ये आपको यहाँ पे रिलेट करना है। दोनों में से दिस इज अ बड़ा नंबर एंड right so, ये, ये जो है यहाँ पे दिस इज अ छोटा नंबर सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है क्लियर है पहले यहां तक बताओ कितनी बात समझ में आई गुड आफ्टरनून अभिषेक बालचंद्र ध्रुव मोहम्मद सोएब गुड आफ्टरनून चलिए अब यहाँ तक ये यह कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी बिल्कुल बात समझ में आ गई है कि कौन जम रहा है कहाँ जम रहा है अब यहाँ से मुझे ये भी चीज क्लियर हो गई है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है सॉल्यूशन का रीजन सिर्फ एक है क्योंकि आपने सॉल्यूट एक ऐसा ऐड कर दिया था जो वेपर फेज में नहीं जा सकता यानी उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं आएगा और रह गई सॉल्वेंट की बात सॉल्वेंट को आप कॉन्टिन्यूसली फ्रीज करते जा रहे हो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता जा रहा है तो वो पैकिंग बना रहा है पैकिंग बना रहा है तो वेपर फेज में जाने के लिए पार्टिकल फ्री नहीं है सो so, ओवरऑल वेपर प्रेशर घटेगा ही घटेगा ठीक है क्लियर हुआ पंकज तुमने अभी ज्वाइन किया होगा इसलिए शायद नहीं समझ में आया या अगर नहीं समझ में आया तो एग्जैक्टली वो पॉइंट बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया ठीक है तो क्यों मेरे को तभी समझ में आएगा ऐसे तो मैं दस मिनट से पढ़ा रही मुझे क्या पता कहा से रिवर्स गियर लगाना है तो इसलिए बिल्कुल पॉइंट बताएंगे कि किधर से रिवर्स गियर लगाना है तो मैडम लगा लेंगी अगर ऐसे ऐसे ही बिल्कुल लास्ट लेक्चर में एकदम मिनट पहले आके आप बोलोगे समझ नहीं आया समझ नहीं आ तो मुझे भी कैसे समझ में आएगा तुम्हें क्या समझ नहीं आया तो बात ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे अगर अभी ज्वाइन किया है तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझा था बेटा ऐसे ही हल्के में नहीं लेना टॉपिक को अब यहाँ पे देखो लाइन समझो एन में जो लाइन लिखी है उसको समझेंगे देखो यहाँ पे इन्होंने बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दूशन लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा तो जैसे प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से कंपेयर करते हो तो उस बेस पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा जो अभी हमने ग्राफ से देखा एट द फ्रीजिंग पॉइंट

जो हमारे पास लिक्विड है दैट इज इन डायनेमिक डायनेमिक्विब्रियम विद सॉलिड स्टेट क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है तो जो भी एनर्जी है वो सारी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज करने में जा रही है तो एक डायनेमिक इक्लिब्रियम बन रहा है लिक्विड भी उस टाइम पे प्रेजेंट है एंड सॉलिड भी उस टाइम पे प्रेजेंट है ठीक है क्लियर हुआ हाँ बिल्कुल सही बात है आगे यहाँ पे देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दबस्टांस एज देखो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिया है टेंपरेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दी सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट और लिक्विड फेज इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सेम सब्सटेंस इन दी सॉलिड फेज मतलब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड फेज के बराबर हो जाए तो उस पर्टिकुलर टेंपरेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग टेंपरेचर जैसे जब हम बोलते हैं कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमोस्फिर प्रेशर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो बॉयल हो गया ऐसे ही लिक्विड का तो तो फॉर्म में रिलेट करके बताया कि ऐसे ऐसे वेपर प्रेशर घट जाएगा एंड घटने के बाद आप इस वैल्यू को जो प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू है उसे टी एफ नॉट ले सकते हो और जो हमारे पास सॉल्यूशन का वैल्यू है उसे आप टी एफ ले सकते हो जब यहाँ पे वैल्यू घट गई है तो आप जब डिक्रीज निकालोगे तो आपको बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा प्योर सॉल्वेंट वाला यानी टी एफ नॉट माइनस गिव यू डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे डेल्टा टी भी था वैसी डेल्टा टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कौन सा है के एफ प्रपोर्शनैलिटी so, कॉन्स्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर डिप्रेशन या फिर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट तो ये ध्यान रखना है ये वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट हमने किया ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपी दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट इज क्रायोस्कोपी तो इसका वो जो के एफ कॉन्स्टेंट है वो हो जाएगा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाली पूरा जो एक्सपेरिमेंट था उसको एब्यूलोस्कोपी बोलते हैं तो उसका कॉन्स्टेंट एबोपिक कॉन्स्टेंट था यहाँ पे इसको क्रायोस्कोपी बोलते हैं तो इसका जो के एफ है वो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है एंड यू हैव दीज वैल्यूज सो आपको यहाँ पे एक चीज और देखो मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है ये याद रखना है के एफ की जो वैल्यू है डिपेंड करता है ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जब तक सॉल्वेंट सेम है के एफ विल नॉट चेंज के एफ भी सेम ही रहेगा तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जैसे केबी में भी हमने पढ़ा था कि वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है वैसे ही के एफ भी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है अब पहले ये वाला पेज नंबर फिफ्टी टू है मेरे पास तो और ये पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे हम आ गए हैं जिसपे इन्होंने डिप्रेशन कॉन्स्टेंट मतलब मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इसको बताया है एंड इसकी यूनिट बताई है केल्विन केजी पर मोल यहां तक पहले मुझे देख के बताओ समझ में आ गया है कि नहीं बहुत ही बढ़िया हाँ मिलेगा बेटा पीडीएफ इकट्ठा करने की बजाय स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन को दिमाग में बट फिर भी रेफरेंस के लिए पीडीएफ मिलेगा कोशिश करो समझ लो क्योंकि जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है लाइफ में कोई कॉपी किताब पीडीएफ काम नहीं आएगी अगर दिमाग ना चले तो तो दिमाग में अगर हम चीज समझ समझ लेंगे तो हमको किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं है सो तो फोकस करेंगे कोशिश करेंगे समझने की बिल्कुल रेफरेंस के लिए पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है क्लियर हुआ मैम आप भगवान हो ना बेटा ना मैं इंसान ही ठीक हूँ बेटा मुझे कोई शौक नहीं भगवान बनने का मैम बुक कौन सी लेनी है ये बुक जो मैं पढ़ा रही हूँ पेपर इसी से आ रहा है चीटिंग का सामान इसी में मिलेगा बेटा ये है एनसीआर की किताब इसी बुक को खरीदना है अगर आप सी बी एस सी के स्कूल्स में हो तो आपके स्कूल बाई डिफॉल्ट यही बुक फॉलो कर रहे होंगे अगर आप सी बी एस सी स्कूल में नहीं हो तो हो सकता है कि कोई और पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ रहे हो तो आप नीट की तैयारी अगर कर रहे हो तो एन टी की बुक्स खरीद लो ठीक है क्लियर हुआ हाँ यही हमारी बाइबल कुरान गीता सब यही है जो कुछ है यही है बेटा चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो मैंने तुम्हें कल भी समझाया कि मोलालिटी जब भी आप रिलेट करोगे सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय गिवन मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन केजी अगर वो ग्राम्स में है तो थाउजेंड का कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा ये वैल्यू आपने यहाँ पे फॉर्मूला में रख दी आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला था डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इसका आपने प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगा दिया था के एफ तो फॉर्मूला ये बन के आया था इसमें आपने उठा के मोलालिटी की वैल्यू भी रख दी तो ये फॉर्मूला बन गया सारी वैल्यूज आपको पता होंगी यहां से आपको एम टू निकालना होता है एम टू इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सारी कहानी ये सारे एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए ठीक है क्लियर हुआ चलिए अब यहां पर देखेंगे बेटा ये पूरी हो गई ये पूरा का पूरा ये हो गया है कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से एक बात उन्होंने समझाई है वैल्यूज ऑफ के एफ एंड के बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इस पे नीट में सवाल आ चुका है इस पर्टिकुलर लाइन पे नीट में क्वेश्चन बन चुका है अगर बच्चों को याद हो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था एक बार जिसमें बोला था कि आपने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया है के एफ पे क्या फर्क पड़ेगा तो हमने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज कर दिया है तो के हो या के हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि ये तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट तो दोनों में सेम ही था सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यानी मुलालिटी चेंज करने से के एफ के बी को कोई फर्क नहीं पड़ता सो so, मेरे पास ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है दैट दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जब तक सॉल्वेंट सेम है तब तक वैल्यू सेम रहेगी फिर यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हैं एक्चुअल जो वैल्यू निकल के आता है वो इस कैलकुलेशन से निकल के आता है जिसमें ये है आर विच इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एम वन इज दोलर मास ऑफ दैट सोल्वेंट टी एफ नॉट ये वैल्यू निकल रही है तो यहाँ पे टी एफ नॉट है बेसिकली यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर सोलवेंट अपॉन थाउजेंड इन टू एंथेल्पी ऑफ फ्यूजन क्योंकि आप के एफ निकाल रहे हो तो यहाँ एंथेलपी ऑफ फ्यूजन आप लोगे यहाँ पे अगर मैं के बी की बात करती हूँ तो ये एंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा बाकी कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे टी एफ नॉट है तो यहाँ पे टीबी जाएगा ये प्योर सॉल्वेंट है यहाँ इन्होंने नॉट नॉट नहीं लगाया है आपको लगाना चाहिए लेकिन उन्होंने यहाँ पे रिलेट करके बता दिया है नीचे लिख दिया है टी एफ एंड टीबी डिनोट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट तो कंफ्यूज मत होना अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो तो यहाँ नॉट लगा लो मतलब टेक दिस वैल्यू एज टी एफ नॉट एंड दिस वैल्यू एज टी बी नॉट क्योंकि हम जब नॉट नॉट ऐसे लगाते हैं तो हम इसको प्योर स्टेट से रिलेट करते हैं लेकिन इन्होंने नीचे यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ये वैल्यू प्योर सॉल्वेंट की ही है क्लियर हुआ चलिए बहुत बढ़िया तो ये हमारे पास ये दो तो रिलेशन है दोनों आप लर्न कर सकते हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लें तो आपको ये रिलेशन अच्छे से लर्न कर लें और इस पूरे रिलेशन में आप देखोगे तो सोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है जो सोलवेंट है उसका मोलर मास का लेना देना है उसका एंथलपी ऑफ फ्यूजन या ऑफ वेपराइजेशन का लेना देना है या फिर उसका प्योर प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना है यानी ले दे के सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट से मतलब है हमको सो so, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है ये वैल्यू ठीक है क्लियर अब यहाँ पे आ गया है थैंक यू थैंक यू शिवम अब यहाँ देखो बेटा एक टेबल बना हुआ है ये टेबल तुमको कोई याद नहीं करना है ये टेबल इन्होंने दिखा रखा है कोई बात नहीं हमको सबकी वैल्यू याद नहीं करनी है हम सिर्फ पानी की वैल्यू याद करेंगे क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है और उसकी वैल्यू हमको याद कर लेनी चाहिए के की विच इज पॉइंट एंड के की विच इज वन ये दो वैल्यूज आप याद करो इसके अलावा कुछ भी सॉल्वेंट होगा वैल्यू क्वेश्चन में given होगी trust me on that, कोई value learn करने की जरूरत नहीं है चलिए आगे चलेंगे यहां पे एक question दिया हुआ है question discuss कर एग्जाम्पल टू पॉइंट नाइन इन योर एनसीआर क्वेश्चन इज फोर्टी फाइव ग्रामीन ग्लाइकोल मिक्सड विद सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर कैलकुलेट करना है सोल्यूशन इस बात को समझो आर की वैल्यू क्या रखेंगे बहुत ही बढ़िया सवाल है चलो भाई वापस चलते हैं एक बढ़िया सवाल आया है बच्चों के दिमाग में आर की वैल्यू क्या लेनी है देखो यहाँ पे आप जो एंथल्पी की वैल्यू लोगे ना एंथेल्पी से प्रोपोर्शनल आपको आर की वैल्यू लेनी है एंथैल्पी और आर की वैल्यू कंपनसेट करेगी वही कटेगी अगर तुमने नीचे एंथल्पी जूल में ली है आर की वैल्यू जूल वाली लोगे एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल जूल। पर केल्विन पर केल्विन मोल। इफ यू आर टेकिंग इन अगर तुम आपने कैलोरीज़ में लिए है मतलब मान के चलो एंथल्पी और आर की वैल्यू कटने वाली है तो जो एंथल्पीज की यूनिट है वैसे यूनिट का आर लेना है ठीक है क्लियर हुआ धर्मेंद्र हा टी है हाँ हाँ बिल्कुल वो स्क्वायर है मैम का स्क्वायर है फॉर्मूला में बिल्कुल फॉर्मूला में स्क्वायर है बेटा इसको जूम इन करके देख लो फार्मूला में स्क्वायर है मैं सिर्फ ये बता रही हूँ यहाँ पे वैल्यू ज्यादा ही जूम इन हो गया है बेटा इतना भी जूम इन की जरूरत नहीं थी बिल्कुल यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि जनरली हम जब ये सिंबल टीएफ लिखते हैं ना तो हम इसको सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं जब तुम पूरा डिप्रेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो टी एफ तुमको सॉल्यूशन के लिए दिखेगा तभी मैं बोल रही हूँ कि इसमें नॉट लगा के फिर स्क्वायर कर लो मैं ये नहीं कह रही कि स्क्वायर स्क्वायर खा जाओ तो वही है सिर्फ की की जगह मैं बोल रही नॉट लगा लो अब आर वैल्यू में कंफ्यूज हो गए हैं यार तुम्हारे साथ एक दिक्कत हो है बेटा बहुत सारी दिक्कत है यही होता है ज्यादा पढ़ लिख लो तो भी फिर पेपर क्लियर नहीं होता क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ऐसा होता है ना अब हम हमें ज्यादा ही ज्ञान आ गया है हम हर सवाल की बाल की खाल निकालते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से देखो आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आर की वैल्यू है 1.98 जिसको आप टू भी ले सकते हो कैलोरी केल्विन पर मोल ठीक है आर की वैल्यू है 0.0821 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल है ठीक है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल अब ये सारी वैल्यूज़ याद कर लो ये कॉमन वैल्यूज हैं, ये आपको यूज करनी पड़ती हैं एंड पेपर में जनरली गिवन होता है आर की वैल्यू पेपर में गिवन भी होती है ठीक है क्लियर हो गया ये कब यूज करना होता है जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जिसमें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन आ रहे होते हैं प्रेशर एटमोस्फेयर में पुट कर रहे होते हैं वॉल्यूम लीटर में जब आप पी वाला इक्वेशन यूज करते हो तब आप, आपको आर की ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ती है जब आप एनर्जी के टर्म्स में किसी फॉर्मूला को निकाल रहे हो एनर्जी में आप जनरली जूल या फिर कैलोरी वाली वैल्यू यूज करते हो विच इज दिस और दिस अब क्लियर हुआ है लाइफ का कुछ हद तक का कंफ्यूजन क्लियर हो गया है सॉर्टेड है कहा सिद्धि क्लियर हुआ सिद्धि का डाउट था ये रिशु तुमको समझ में आ गया है? हाँ चलो रिशु को तो हो गया ओके ओक आ गया है चलिए आगे सिद्धि को भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे आर की वैल्यू कब क्या लेनी है यहाँ पे हम नीचे जा चुके थे इस सवाल पे इस क्वेश्चन में देखो बेटा उन्होंने क्या पूछा है कैलकुलेट करो फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट फ्रीजिंग का मतलब डेल्टा निकालो तो डेल्टा टी एफ निकाल दोगे तुम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन का मतलब क्या है टी एफ की भी वैल्यू निकालनी है तो पहले तो डेल्टा टी एफ निकालेंगे सॉल्यूशन जो है वो पानी में बना है याद रखना है वॉटर इज दी सॉल्वेंट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर के एफ नहीं दे रखा है ध्यान से बात समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर के एफ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो के एफ का क्या करोगे लर्न करके जाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा इन्होंने नीचे तो यूज कर दिया बट गिवन नहीं था क्वेश्चन में सो यू हैव टू लर्न वैल्यू फॉर वॉटर अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात क्या है कि आपने यहाँ से मोल्स निकाल दिए या निकाल दी। so, तो आपको निकालने के लिए, और मोलिकुलर मास और इन निकल के आ गए पानी के मोल्स निकाल दो पानी के यहाँ पे सॉरी पानी का मोल्स नहीं चाहिए पानी का हमको मास के में चाहिए तो छे सौ ग्राम इस जी तो पॉइंट सिक्स के आ गया यहां से मोलालिटी निकाल देंगे मोलालिटी आ गई बेटा 1.2 मोल के जी या फिर आप इसको स्मॉल एम भी लिख सकते हो एक ही बात है स्मॉल एम से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकता है ना कि मीटर है कि क्या है वैसे तो मोलालिटी का सिंबल स्मॉल एम होता है बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएं इसलिए क्लियरली लिख दिया जाता है मोल पर के जी की कोई कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना हो अब यहाँ से डेल्टा टीएफ अगर तुमको निकालना है तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ निकालोगे ये डेल्टा लिखना चाहते होंगे सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी आई के एफ एफ आई सॉरी अभी तो, तो तुमने आई पढ़ाई नहीं सॉरी सॉरी भूल जाओ मैंने कुछ बोला तो ये फॉर्मूला आ गया के एफ एम सो के एफ इज वन पॉइंट एट सिक्स टू ये वैल्यू आ गई टू पॉइंट टू ये वैल्यू आपने निकाल दी है ये वैल्यू कौन से यूनिट में निकल के आई है ये आई है केल्विन में अब एक सिंपल एप्टीट्यूड का मैं कह रू केमिस्ट्री सब एक तरफ दिमाग अगली तरफ अब दिमाग लगाएंगे अगर मैंने बोला कि जो डेल्टा टीएफ है ध्यान से सुनो अगर डेल्टा टीएफ टू पॉइंट टू केलवेन आ रहा है तो डेल्टा टीएफ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा आंसर करेंगे इधर चार्ट में आंसर करो जरा मुझे सिर्फ तुम्हारा दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी चेक करना है मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री तो मैं सिखा दूंगी लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड तो नेचर पर डिपेंड करती है दिस इज समथिंग नेचुरल दिमाग खोल के रखेंगे और फिर बताएंगे हाँ आई अभी डिस्कस करेंगे बेटा तब समझ में और अच्छे से आएगा बिल्कुल सही बोल रहे हो वैसे तुम गलत कुछ नहीं है है बस अब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने की बात बात आ रही है। आपको बताना है 2.2 पॉइंट केलविन अगर डेल्टा टीएफ है तो डिग्री सेल्सियस में डेल्टा टी एफ कितना होगा सिंपल सा सवाल नम्रता को लग रहा है 270 होगा तलत को लग रहा है कि सेम है शिवम बोल रहा है कि सेम है धर्मेंद्र को भी सेम ही लग रहा है शिवम ओके ज्योति को भी सेम लग रहा है रवि को कुछ लग रहा था उसने डिलीट कर दिया अभी रवि सोच के फिर बताएगा ओके रवि बोल रहा है सेम और हाथ भी जोड़ दिया रवि ने कि मैम प्लीज माफ कर दो ऊपर वाले आंसर को बिल्कुल पाप मत लगाना अंजलि को भी लग रहा है टू पॉइंट टू है हिमांशु बोल रहा है सी होगा सी क्या यहाँ चार ऑप्शन थोड़ा दिए मैंने व्हाट डू मीन बाय सी 2.2 तुबा बोल रही है 2.7 uh, 270.95 अब मेरी बात सुनो तुम इधर आए इधर आए दिमाग लगाएंगे इधर देखो मेरी बात सुनो अगर मैंने एक सिस्टम जीरो डिग्री सेल्सियस से हीट करके पांच डिग्री सेल्सियस ले गई हूं मैं एक कोई भी चीज है कोई भी जो तुम्हारे दिमाग किसी को भी उबाल दो तुम किसी को भी गर्म कर दो जीरो डिग्री सेल्सियस से पांच डिग्री तक तुमने हीट कर दिया कितना टेम्परेचर राइज हुआ जरा मुझे बताओ कितना टेम्परेचर राइज हुआ ये बताओ किसी भी चीज को जीरो डिग्री सेल्सियस से पांच डिग्री तक तुम हीट करते हो पांच डिग्री तक हीट करते हो तो कितना डेल्टा टी आएगा पांच ये बात सबको समझ में आ रही है अब तुम ये समझो अगर मैं बोल रही हूँ कि 273 सेवेंटी से लेके तुमने उसको 278 तक अगर उसको हीट कर दिया तो कितना डेल्टा टी आएगा बताओ अगर 273 सेवेंटी से लेके 278 तक तुम उसका टेम्परेचर ले गए तो कितना डेल्टा टी आएगा अभी भी पांच आएगा यानी हमको क्या समझ में आया कि जब हम डेल्टा टी की बात करते हैं तो डेल्टा टी मैग्नीट्यूड में सेम ही रहता है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम क्योंकि आप एक temperature की यूनिट को दूसरे में सेम कन्वर्जन फैक्टर से ही तो चेंज करोगे जैसे तुमने डिग्री सेल्सियस का 273 किया बाय एडिंग 273 5 डिग्री सेल्सियस का 278 किया बाय एडिंग 273 ओनली तो आप सेम वैल्यू से ही तो दोनों वैल्यू चेंज कर रहे हो तो दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा मतलब दिमाग यहाँ पे ये लगाना है बेटा कि हमको यहाँ चाहे इन्होंने इन्होंने केल्विन में लिखा इन्होंने में लिखा लिखा है है चाहे इसको डिग्री सेल्सियस हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए डेल्टा टीएफ सेम है सो so, डेल्टा टीएफ सेम है चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लगा दो चाहे तुम इसको केल्विन में लिख दो क्योंकि इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का केल्विन में निकाला तो इन्होंने डेल्टा टीएफ को केल्विन ले लिया और 273.15 में से वो वैल्यू घटा दी और आंसर तुमने केल्विन में लिख दिया अब यही सेम चीज तुम डिग्री सेल्सियस के साथ भी कर सकते थे तुम यहाँ पे लेते जीरो डिग्री उस से उसमें से 2.2 डिग्री सेल्सियस माइनस करते तुम्हारा आंसर माइनस टू डिग्री सेल्सियस आ जाता तो भी सही था ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से ये चीज ध्यान रखना है सिंबल क्या होगा किसका सिंबल किसका सिंबल जो यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल रहे हो वो तो डेल्टा टी एफ ही है सिंबल डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और कौन सा सिंबल है ठीक है क्लियर हो गई बात शुभम आई डोंट नो वॉट यू आर आस्किंग किसका सिंबल पूछ रहे हो तुम पूरा लिखो एक तो आधी अधूरी बातें कैसे बोलते हो तुम तुम कैसे क्या लग रहा है कि तांत्रिक वांत्रिक बैठा तुम्हारे सामने एक मैडम बैठी है ना कैसे एक जादु शक्तियां थोड़ी हो, थोड़ी होगी मैम पे कि आधा सवाल पूछेंगे और बाकी मैडम गेस्ट करेंगी आज तो गेसिंग गेम खेलेंगे कि तांत्रिक समझाएं कि काले कपड़े पहन रखें बेटा इसका मतलब ये नहीं कि तांत्रिक जादू तो ना आता है मुझे सवाल तो पूरा लिखो शुभम पूरा क्वेश्चन लेके पूछेंगे चलो अब यहाँ पे इधर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल टू प�

यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका गिवन वेट आ जाएगा के में चेंज करने के लिए थाउजेंड का कन्वर्जन आ जाएगा जो गिवेन मोलर मास है मोलर मास हमको निकालना है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ है वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉरी ये क्या किया है ओ, 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 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी सॉरी माय मिस्टेक हाँ तो ये वैल्यू हमारे पास के एफ की आ गई और यहाँ पे डिप्रेशन कितना किया वो आ गया और कितना वेट आपने लिया बेंजीन का वो आ गया सारी वैल्यूज आपने सब्सिट्यूट कर दिए मैं मैं एकदम से एकदम तो का 1.86 इन्होंने क्यों नहीं लिया एकदम से मेरा ध्यान उस चीज पे चला गया कि वन वैल्यू इन्होंने क्यों नहीं लिखी फिर याद आया क्योंकि बेनजीन है तो बेनजीन का वैल्यू फाइव होता है वो उन्होंने लिया है अब क्योंकि हमें आदत पड़ी है ना पानी के साथ सॉल्व करने की तो मुझे मैंने कहा कहाँ गया तो अभी याद आया यहां है। ये है वो वन पॉइंट एट सिक्स की जगह पॉइंट नाउ दे आर टेकिंग सॉल्व करोगे बेटा ये 256 निकल के आएगा थोड़ी सी ऐसी भयानक सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी करने के बाद आंसर टू फिफ्टी सिक्स आ जाएगा इनऑर्गेनिक का क्लास है मैम नहीं इनऑर्गेनिक का क्लास मैम तुम बोल रहे हो पूछ रहे हो मुझे नहीं पता मैम ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस और टेस्ट सीरीज का क्या स्केड्यूल है चलो भाई ये काम की बात है ये बता देते हैं पहले डेडिकेटेड टू मोहित देखो बेटा सुबह दस बजे हम लोग यहाँ आ जाते हैं यूट्यूब पे प्रिया मैम आ जाती है सबसे पहले वो ही उठती है उठते ही आ जाती है पढ़ाने तुमको तो प्रिया मैम आ जाती है दस बजे तुम भी उठो एकदम उठ के पढ़ने बैठ जाओ इलेवेंथ क्लास फिर जब तुम इलेवेंथ में थोड़ा दिमाग लगा के बिल्कुल जाग जाओगे फिर उसके बाद हम ट्वेल्थ की भी क्लास करते हैं

ऑल ओवर हर सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कंबाइंड आपको को टेस्ट देना है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नीट टेस्ट सीरीज तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो उसमें तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं फिर आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी अलग से टेस्ट सीरीज मिल रहा है मतलब कोई बच्चा सोच रहा है मेरा तो बस फिजिक्स में ही काम खराब किया हुआ है तो फिजिक्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है बायो का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है इंडिविजुअली भी वो टेस्ट अलग है ऐसे मत सोचना कि ऑल इंडिया वाले ही टॉपिक्स का टेस्ट हो रहा है वो अलग अलग करके भी हम बता रहे हैं और फिर सेम भी कर रहे हैं नहीं अलग टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड कंबाइंड टेस्ट सीरीज फॉर पी -सी ये दोनों चार टेस्ट सीरीज है मतलब आपके पास राइट केमिस्ट्री वाली जो टेस्ट सीरीज है इसका मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे उसका अच्छे से पता है ऑनलाइन मोड पे टेस्ट सीरीज हो रही है और कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे ऑफलाइन में भी अवेलेबल है राइट right? आप कमेंट करके पूछ सकते हो आपकी सिटी में टेस्ट सेंटर है या नहीं अदरवाइज यू कैन ज्वाइन दिस ऑन ऑनलाइन मोड हर ट्यूसडे इसका टेस्ट होता है हर ट्यूसडे केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में टेस्ट होगा डिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां पे ऑलरेडी पीडीएफ शेयर्ड है टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा प्रिया मैम वाली वीडियो देखोगे तो प्रिया मैम अपने हर सेशन में स्टार्टिंग में आपको पूरा पीडीएफ दिखा के बताती है बेटा अगला टेस्ट क्या है नहीं तो मैं तुमको बता रही हूँ तुम्हारे पास इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी से शुरू हो रहे हैं टॉपिक्स एक टेस्ट पहला हो चुका है अट्ठाईस सितंबर को अगला टेस्ट पांच अक्टूबर को है जिसमें सेकंड चैप्टर आ रहा है ठीक है सेकंड चैप्टर आ रहा है ठीक है क्लियर हुआ सेकेंड चैप्टर कौन सा है तुम्हें पता होगा इलेवेंथ क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इस ट्यूजडे को टेस्ट है टेस्ट से पहले हर टेस्ट से पहले उसका रैपिड फायर रिविजन भी होता है तो पढ़ाते भी हैं रिवाइज भी कराते हैं टेस्ट भी लेते हैं सब कुछ कर रहे हैं बेटा तो हम सारी मेहनत हम कर रहे हैं तुम अपनी जितनी मेहनत और कर सकते हो वो करो पक्का सिलेक्शन होगा बोर्ड प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव 2022 का वीडियो बनाए मैम केमिस्ट्री का चलो ठीक है बोर्ड प्रिपरेशन का वीडियो भी मैं बनाऊंगी इनफैक्ट उसका भी जो ट्वेल्थ क्लास का इस बार आ गया है कि शायद पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कुछ चैप्टर्स का उसका एग्जाम्पल पेपर भी आ गया है वो भी डिस्कस करेंगे टेंशन मत लो 11th 12th एक साथ टेस्ट में होगा क्या नहीं जो टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें करने की बजाय टेलीग्राम पे पूरा का पूरा पीडीएफ देखो आराम से तुम उसको एनालाइज करो फिर उसमें पीडीएफ में कोई तुमको डाउट आता है फिर तुम किसी वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना ठीक है मोहित क्लियर हो गया लाइफ है अब बेटा सॉलिड का एटी सिक्स ये क्या बोल रहे हो एट एट सिक्स फोर फोर एट फोर फोर एट का टाइप ना बताया हाँ वो नहीं बताया क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में आयनिक सॉलिड्स नहीं है जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम वो चीज डेफिनेटली डिस्कस करेंगे ठीक है क्लियर हुआ वीके मौर्य बात समझ में आई जूम आई डी कैसे मिलेगी जूम आई डी मिल जाएंगी जो बच्चे भी टेस्ट में एनरोल करते हैं उनको सेपरेटली जूम आई डी मिल जाती है अलग अलग चीजें हैं जो टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं उनको जूम आई भी मिल जाती है क्योंकि उन बच्चों का फोन नंबर आ जाता है ना जब वो टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करते हैं तो उनको जूम आई प्रोवाइड कर दी करती जाती है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत जल्द करेंगे तो तुम्हें दिखेगा कि मैं आयनिक सॉलिड्स के क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूंगी अभी हमने एनसीआरटी लाइन बाई लाइन सीरीज स्टार्ट की है तो एनसीआरटी में जो टॉपिक दे रखे हैं सिर्फ उतने ही पढ़ाए चलिए अब हो गए सारी लाइफ सॉर्टेड हो गई है हाँ चलिए रवि बिल्कुल सही बोल रहा है ये जो ज्यादा ये सवाल पूछ रहे हैं इनको सीधा मैम ऐप पे भेज दो तो बेटा सबसे सही सॉल्यूशन है तुम्हारे पास न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख जाएगा इस न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सारे अवेलेबल कोर्सेज सारी अवेलेबल टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी जो टेस्ट सीरीज जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो इस पर्टिकुलर ऐप के चैट सेक्शन में आप उसका रिक्वेस्ट डाल सकते हो आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो कुछ क्वेरी आए तो इस पर्टिकुलर ऐप के चैट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है क्लियर हुआ मुझे नहीं मिला ओहो शिवम तुम्हें नहीं मिला कोई बात नहीं सिटी रैंक टेन आया था फिर भी नहीं मिला तो अन्याय हो गया शिवम तुम्हारे साथ कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा हाँ, इसके बाद भी जो नहीं समझ में आया वो आपके चैट सेक्शन में पूछ लेना अब इन बच्चों को पढ़ लेने दो क्योंकि इनको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा था पहले ये पढ़ लेंगे तो छोटी हमने कर बाकी जो और भी ज्ञानवर्धक बातें इसके लिए चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे बेटा यहाँ पे आओ ऑस्मोसिस उस्मो, और ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है जिसमें सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट है सबसे सिंपल जो उन्होंने बोला है ये हम लोग बचपन में ना एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे कि अगर हमने किसी को शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाला जैसे तुम ऐसे बोलते थे ना कि जैसे किशमिश याद करो वो जूनियर कौन सी क्लास में आया था पहली बार ये एक्सपेरिमेंट आई डोंट नो बट ऐसा समझाया जाता था कि अगर आपने पानी के अंदर किशमिश डाल दी किशमिश समझते हो तुम तो, पहले मुझे बताओ ये लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कई बार किशमिश किशमिश समझते हो तुम तो, रेजंस तो रेजेंस हमने क्या किया पानी में रेजेंस डाले जब हम रात को ऐसे भिगो के चले गए या थोड़ी देर में भी वो अपने आप फूल जाते हैं तो क्यों वो स्वेलअप होते हैं ये बताओगे so, सो जो है वो क्यों स्वेलअप हो जाते हैं फिफ्थ क्लास में पढ़ा था बिल्कुल सही तो बस वही बात क्या पांचवी पास से तेज है सेम चीज हो रही है सो so, किशमिश यानी कि रेजेंस ड्राई फ्रूट है बेसिकली अगर आप इसको पानी में भिगो देते हो थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ देते हो तो ये स्वेलअप हो जाता है क्यों क्योंकि पानी चला जाता है इसके अंदर राइट तो जब पानी किसी लेयर को क्रॉस करके अंदर चला जाता है तो वो चीज स्वेलअप हो जाती है अगर पानी बाहर आ जाए यानी कि हम उन्हीं रेजन को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वो और श्रिंक हो जाते हैं तो अगर पानी बाहर आ जाए तो हम बोलते हैं कि अब ये श्रिंक हो गया तो आपने नाइन्थ या फिफ्थ क्लास जब भी कहीं चैप्टर में किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में साइंस के किसी चैप्टर में तो पढ़ा होगा बायो में पढ़ा होगा क्योंकि

एग्जो से हम क्या समझ रहे हैं पानी बाहर आ रहा है तो एंडो ऑसमोसिस एग्जो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको ऑस्मोसिस के से दिमाग में आने चाहिए थे इफ यू वर अ वर्क साइंस स्टूडेंट तुमने जिंदगी में कभी साइंस पढ़ी ना तुम्हें ये टर्म समझ में आएंगे अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन द सेलाइन वाटर यानी सेलाइन मतलब पानी में आपने नमक डाल दिया और इन्होंने बोला कि जो ब्लड सेल्स हैं अगर हम सेलाइन वाटर में ऐड करते हैं तो कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि पानी वहां से बाहर निकल आता है यानी एग्जो ऑस्मोसिस हो जाता है फिर यहाँ पे इन्होंने समझाया कि ऐसा क्यों कर पा रही हैं ये चीजें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दीज मेम्ब्रेन्स यानी जो भी मेम्ब्रेन है किसी सेल का जो मेम्ब्रेन है वो अपीयर करता है टू बी अ अंटेनर शीट और फिल्म बट येट दे हैव नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स यानी उनका स्ट्रक्चर पोर वाला होता है तो उनके स्ट्रक्चर में पोर्स पोर्स होंगे pores कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को आना जाना अलाउ करेंगे जो बड़े साइज के पार्टिकल होंगे उनको नहीं जाने देंगे तो इन्होंने यहाँ पे समझाया कि जो स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर उसको तो निकलने देते हैं जो बड़ा पार्टिकल है उसे रोक लेते हैं तो ऐसे में जो सिलेक्टिवली आना जाना दे तो वहां पर क्या होता है सेमी परमिबल मेंब्रेन बन जाता है तो सेमी परमिएबल मेंब्रेन ये जो वर्ड है ये आपको समझना है जो सिलेक्टिवली पैसेज अलाउ करे एंड आई एम वेरी श्योर एस पी एम बायो का अगर आप स्टूडेंट हो क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट तो बायो के स्टूडेंट तो डेफिनेटली हो तुम तो बायो के स्टूडेंट्स को एस पी एम समझाना तो कोई ऐसी बात है कि भाई ये तो हो गया कि बायोलॉजिस्ट से कोई बात करना तो ये तो तुम अच्छे से जानते हो दिस इज वेरी ऑब्वियस यू नो वॉट इज एस पी एम

ऑफ दी सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस अब देखो इस पर्टिकुलर लाइन से नीट में कैसा सवाल आ सकता है वो तुमसे पूछ सकते हैं कि बेटा ऑस्मोसिस के दौरान कौन सा पार्टिकल किधर से किधर जाता है तो सबसे पहली बात कौन से पार्टिकल में बात करें तो सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल ही मूव कर सकता है और किधर से किधर जाता है तो ये जाता है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाली साइड सो so, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का पार्टिकल गोस फ्रॉम दी सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड यस मैम बॉटनी के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी दिया हुआ है बिल्कुल सही बात है न्यू बायो एनसीआरटी में एसपीएम की जगह सिलेक्टिवली कर दिया है सेमी परमीएबल की जगह उन्होंने सिलेक्टिवली कर दिया है चलो कुछ भी कर दिया है शिवम बोल रहा है मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ कोई बात नहीं जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए उन्होंने यहाँ पे पूरा एसपीएम लिख दिया है कि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होता है तो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज वो वाला मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली अलाउ करे ठीक है बिल्कुल अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमको समझनी है कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाली साइड जा रहा है तो इस प्रोसेस को वी आर सेइंग ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस तो समझ ही गए हो तुम फिर आगे यहां पे पढ़ो ध्यान से ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे मार्क की हुई हैं द फ्लो विल कॉन्टिन्यू टिल द इज इक्म तब तक ये फ्लो चलता रहेगा जब इक्म जब तक अटेन नहीं हो जाता अब तुम मुझे लॉजिकली सोच के बताओ इक्म अटेन होने के बाद क्या जो पार्टिकल है वो आना जाना रोक देगा या नहीं लॉजिकली सोच के बताना है इक्लिब्रियम अटेन होने के बाद क्या सॉल्वेंट का पार्टिकल आना जाना रोक देगा यस और नो बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम नहीं नहीं रोकेगा क्योंकि इक्लिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ रखा है इक्लिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है डायनेमिक नेचर का मतलब हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि एक पार्टिकल उधर जाएगा तो दूसरा पार्टिकल इधर आ जाएगा हमको एनालाइज नहीं कर पाएंगे हम हम वो चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे लेकिन मोलिकुलर लेवल पे पार्टिकल चलता रहेगा पार्टिकल मॉलिक्यूल लेवल पे आता जाता रहेगा जस्ट दैट उसका जो नेट मूवमेंट है वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे तो ये चीज ध्यान रखनी है इवन इफ इक्म इज अटेन मोलिकुलर लेवल पे ये मूवमेंट स्टॉप नहीं हुई है अगर एक पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाली साइड जाएगा तो एक पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट वाली साइड पे आ जाएगा So, पे देखो आगे लिखा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू दोल्यूशन ये तभी स्टॉप किया जा सकता है अगर आप कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो सॉल्यूशन वाली साइड पे दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो ये जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगा के उसको रोका है तो वो पार्टिकल आना जाना रोक पाए आप दैट मिनिमम प्रेशर जो आपने अप्लाई किया इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दी डायूट सॉल्यूशन अक्रॉस दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू ऑस्मोसिस सो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट भी करते चलते हैं यू हैव टू कीप वन पॉइंट इन माइंड दैट इज ट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दॉल्यूशन ये लाइन अंडरलाइन कर लो अच्छे से क्योंकि पेपर में ना ये गड़बड़ करोगे चीज ध्यान से समझो देखो उन्होंने क्या बोला है सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दॉल्यूशन सोल्यूशन का लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा बेटा सॉल्यूशन का लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोर सॉल्वेंट दिस मींस मोर सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट ज्यादा है तभी तो लो कॉन्सेंट्रेशन है और हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है लेस सॉल्वेंट क्योंकि अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो मतलब उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है तो एक्चुअल में सॉल्वेंट किधर से किधर जा रहा है सॉल्वेंट जा रहा है अपनी हायर अमाउंट से अपनी लोअर अमाउंट पे यानी जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से वो जा रहा है जहां सॉल्वेंट कम है इट गोइंग फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्लियर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हो कि जो वाटर पोटेंशियल के हिसाब से भी समझ पा रहे हैं वैसे भी रिलेट कर सकते हैं सो नाउ दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर ये इंपॉर्टेंट भी है इसमें ध्यान रखना है

थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया सो नाउ यू कैन स्टॉप कि सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर से इधर ना आ पाए सो so, ये मूवमेंट को आप तभी स्टॉप कर सकते हो अगर आप ये प्रेशर अप्लाई करते हो सम एक्स्ट्रा प्रेशर सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज दॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी ठीक है क्लियर हुआ राइट चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सेस यहाँ पे देखो ये बहुत कुछ यहां इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सब कुछ लाइन मार्क नहीं किया है समझते जाना देखो यहां समझ लो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू दी परमिएबल मेम्रेन इन टू दी तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मिनिमम प्रेशर जो आपको अप्लाई करना ही करना है टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस दी एम दैट इज नोन एज दी ऑस्मोटिक प्रेशर फिर यहाँ पे इन्होंने समझाया भी है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलारिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी आप देख सकते हो कि पाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इसका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आर आ जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी यानी सिंपल फार्मूला आ गया बेटा पाई इज इक्वल टू सी आर टी जिसमें सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी आप इसको लिख सकते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है क्लियर हुआ चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे पूरा इन्होंने यही सेम चीज की हुई है ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ये डिनोमिनेटर से इधर ले गए तो ये क्या बन गया बेटा पाई वी, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको इन्होंने पे खोल के लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास ये पूरा फैला दिया इन्होंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला और इधर से एम टू के लिए फॉर्मूला बना दिया है एम टू आ गया ये अब यहाँ पे आपको बोला है कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी एक्सपेरिमेंट से मिल जाएंगी तो आप एम टू निकाल सकते हो अब आज जाओ नीचे के पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप ये ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट ये कर रहे हो ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये यूज किया जाता है टू फाइंड आउट मोलर दोलर ऑफ सॉल्यूट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यही काम है एम टू निकालना लेकिन आगे इस मेथड में खासियत क्या है दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन दोलर ऑफ प्रोटीन पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बायो मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स हैं उनके केस में हम ये वाला जो तरीका है ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है ठीक है क्लियर हुआ वट इज द मीनिंग दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन द आइडेंटिटी ये अभी हम समझेंगे जब हम आई समझेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है नंबर पे डिपेंड करता है जैसे मान लो कितने पार्टिकल्स वो डिसोसिएट एसोसिएट करके दे रहा है उस पर वो फाइनल नंबर पे डिपेंड करेगी वैल्यू उसके नेचर पे वो डिपेंड नहीं कर रही तो आइडेंटिटी से मतलब है कि नेचर पे डिपेंड ना करना जो कि बेसिक क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन ही था ठीक है क्लियर हुआ चलिए अमेर सोहेल हाय बेटा बहुत हाई हो गया है चलो बेटा हाई के साथ साथ बाय भी ले जाओ बाय बहुत ज्यादा हाई हो गया था इतना ज्यादा हाई हमें चाहिए नहीं है चलिए अभी इधर आएंगे इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज एंड फॉर वेरी डायलूट सोलूशन इट इज वेरी लार्ज तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ये वाला जो तरीका है क्यों यूज कर रहे हो क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसका वैल्यू का तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो एंड बायोमोलिक्यूल्स के खास तौर पे पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलीमर्स का सोल्यूबिलिटी बहुत कम होता है इसलिए वो भी आप उस केस में भी इसको यूज कर सकते हो देखो एक सिंपल सी बात एक सिंपल सी बात समझो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का M2 के साथ किसी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में तुम सोच लो किसी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में M2 का इनवर्स रिलेशन है कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सोचते हो M2 डिनोमिनेटर में आता है यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी M2 का इनवर्स रिलेशन है हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें से तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा वाली थी डेल्टा पी डेल्टा टी डेल्टा टी टी एफ ये सब तो यहाँ पे जब आपने कोई डेल्टा सिंबल यूज किया यानी आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो चेंज निकाल रहे हो अगर M2 की वैल्यू बेटा ज्यादा बड़ी होगी यानी कोई मैक्रो मॉलिक्यूल होगा तो M2 अगर ज्यादा बड़ा होगा तो चेंज क्या आएगा छोटा आएगा चेंज अगर कम आएगा तो आप उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाओगे सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें चेंज नहीं निकाल रहे हो आप आप वैल्यू निकाल रहे हो सो पाई इज इक्वल टू आर सी आर टी ये फॉर्मूला में हम डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं वी आर नॉट कैलकुलेटिंग चेंज सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो भी माइक्रोमोलिक्यूल हैं जिनमें बहुत ज्यादा मास है वहां पे सबसे ज्यादा काम आने वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात ध्रुव बिल्कुल सही यही बात मैंने बोली है कि अगर M2 की वैल्यू बड़ी होगी तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो छोटा रह जाएगा चेंज कम आएगा चेंज कम आएगा तो उसको समझना उसको कैलकुलेट करना विल बिकम डिफिकल्ट हो सकता है हमारा एपरेटस ऐसा हो ही ना उस काबिलियत का हमारा एपरेटस ही नहीं है उसका लीस्ट काउंट ही उतना ना हो वो वैल्यू मेजर ही ना कर पाए तो ये सारी दिक्कतें से आप दिक्कतों से बच सकते हो देन सी टू हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट आर नोन एज आइसोटोनिक ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि अगर दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है यानी पाई वन इज इक्वल टू पाई टू यू कॉल देम आइसोटोनिक जैसे कि 0.9 परसेंट मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज नोन एज नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारे ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूड है उससे मैच करता है तभी हम लोगों को जब भी कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं तो पहले उसको सेलाइन में मिक्स किया जाता है फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सो so दैट हम उसको इजिली विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंसेस एडाप्ट कर सके एक्सेप्ट कर सके इन द बॉडी ठीक है क्लियर हुआ चलिए आगे देखेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये भी तुमको पता है देखो ऑब्वियसली अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में तो जो ज्यादा वाला है इसको आप बोलोगे हाइपरटोनिक अगर आप इसके रेफरेंस पे बोल रहे हो और जिसकी वैल्यू कम है उसके रेफरेंस पे अगर आप बात कर रहे हो तो आप इसको बोलोगे हाइपोटोनिक तो हाइपर मतलब ज्यादा हाइपो मतलब कम तो यहाँ पे इन्होंने वही बातें लिखी हुई हैं आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन कर लो टू पॉइंट इलेवन की अगर हम बात करते हैं यहाँ है देखो बेटा ये याद रखो, 1 1 1 है दो सो एम एल सोलूशन प्रोटीन का वन पॉइंट टू सिक्स ग्राम प्रोटीन है ऑस्मोटिक प्रेशर तीन सोलविन पे निकाला गया इतना है मोलर मास निकाल दो फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 सौ 200 एल दो सौ एम एल मतलब लीटर, तो आपको लीटर में लेना है आर की वैल्यू आपने ये ले ली एट वाली जो वैल्यू हम पहले डिस्कस कर रहे थे क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो हमें आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर वाली लेनी है ये वैल्यूज आपने सारी की सारी सब्सट्यूट कर दी है फॉर्मुला में डायरेक्ट जो वैल्यूज थी सब्सट्यूट करने के बाद यहाँ से मोलर मास निकल के आ जाएगा जो कि इतना बड़ा नंबर निकल के आया है सिक्सटी वन थाउजेंड ये बहुत कोई मैक्रो मॉलिक्यूल था और आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने प्रोटीन की बात की है तो ऑब्वियसली मैक्रो मॉलिक्यूल तो है ही है तो वैल्यू काफी ज्यादा आई है हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं थ्रूव बिल्कुल एवरीथिंग इज क्लियर हाँ वन बाई ट्वेल्व भी ले सकते हो बिल्कुल ले सकते हो डिपेंड्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन जो भी डाटा है आप उसके हिसाब से वैल्यू ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे देखो पूरा जो फिनोमिना है ऑस्मोसिस का इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बहुत सारे दिए हैं जो कि कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप सिर्फ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से यूज टू हो सकते हो फिर यहाँ पे इन्होंने बोला एक और आ, कुछ बीमारी का नाम दिया है बेटा इसको समझो ध्यान से हो सकता है कि जैसे नीट के पेपर में एनसीआर की लाइंस पे हो रही हैं तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए पेपर में

जो सेल्स हैं वो वाटर स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं सो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं एडिमा तो ये ध्यान रखना क्योंकि एनसीआर में इसको बोल्ड करके दिया हुआ है तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको अच्छे से लर्न करना आगे पीछे ये सारी कहानी जब तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे यू विल जस्ट सी कि इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑस्मोसिस समझा रखा है तो एक बार पढ़ने की जरूरत है अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ ओडीमा लिखा है चलो कोई बात नहीं पेपर में तुमको जो भी दिखा इडीमा ओडीमा तुम उसको सिलेक्ट कर देना या फिर तुम गूगल कर लेना मुझे तो पता नहीं इसको ओडीमा लिखा है बायो में या वो कुछ और हो मैं अभी कहीं बोल दू वो सही है कि गलत है कुछ और ही निकले जिस चीज का नहीं पता है वहां पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ठीक है तो ये चेक कर लेना अगर बायो में भी जो टर्म तो तुम बोल रहे हो वो इसी डिजीज के बारे में या इसी के प्रॉब्लम के बारे में वो बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा बेटा ऐसा तो है नहीं यहाँ पे वो केमिस्ट्री में वो ई से हो जाएगा सेम प्रॉब्लम बायो में ओ से हो जाएगा तो एक बार चेक कर लेना हाँ ईडीमा बोल रहे हैं बच्चे चलो जो भी है अब तुम चेक करो यहाँ पे बहस मत करो चेक कर लेना

ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट जा रहा था सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ है ना अब सोचो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा हो जाएगा यानी सॉल्वेंट जाएगा सोल्यूशन वाली साइड से प्योर सॉल्वेंट वाली साइड पे अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रेशर लार्जर देन दिस वैल्यू सो यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा प्रेशर सो एक्स्ट्रा प्रेशर से डायरेक्शन रिवर्स किया जा सकता है यू कैन फोर्स दी सॉल्वेंट पार्टिकल टू गो ऑन दी रिवर्स साइड सो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यूज इन दी दी सी वॉटर ये इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी है यहाँ पे देख लो एक तरफ ये फ्रेश सोलवेंट फ्रेश वॉटर है यानी ये हमारा सोलवेंट है और एक तरफ यहाँ सॉल्ट वॉटर है यानी ये हमारा सोल्यूशन है तो नॉर्मल सिचुएशन में ये पार्टिकल इधर जाता लेकिन आपने इस वाली साइड पे ये प्रेशर अप्लाई कर दिया पिस्टन को नीचे धकेल के एंड दिस प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तो पार्टिकल को फोर्स करोगे कि वापस जा जो पार्टिकल इधर आ रहा था तो उसे धक्के मार के वापस भेज दोगे तो वापस वो चला जाएगा लेकिन जब वो इधर आया था तो जो इम्क्योरिटीज थी वो वापस नहीं जा पाएंगी ना तो इम्प्योरिटीज है वो वापस नहीं जा पाएंगी तो आप जो सॉल्ट सॉल्यूशन है या फिर जो dirty water है उसकी impurities को को कर कर लोगे and water को इधर कर पाओगे तो यहां से आपको water outlet में मिल जाएगा प्योर वाटर ठीक है तो प्योर वाटर आपको यहां से मिल जाएगा फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सी वाटर

सेलुलोज एसिटेट इज परमिएबल टू वॉटर बट इम परिटीज प्रेजेंट इन दी वॉटर तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि कौन सा मटीरियल यूज हो रहा है तो ये मटीरियल पूछ सकते हैं या एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत नीट के हिसाब से बता रही हूँ तो ये ध्यान रखना कि नॉर्मल जब फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस में से जनरली यूज किया जाता है सेलुलोस एसिटेट

तुमको कोई टीचर कोई ट्रिक बताता है तो तुम क्या करते हो लेट्स बी ऑनेस्ट मुझे बात अच्छे से पता है कोई भी अगर कोई टीचर तुम्हें कोई ट्रिक समझाता है ना तुम टीचर का ट्रिक सीखते हो फिर तुम उसको जाके उन मॉलिक्यूल्स पे लगाते हो या उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे वो ट्रिक लगाते हो जिनका तुमको आंसर पता होता है करते हो कि नहीं लेट्स बी ऑनेस्ट जरा चैट में आ जाओ जरा इधर कोई भी ट्रिक सिखाता है तुम्हें टीचर तो तुम उनको कहीं ना कहीं अप्लाई करके कंफर्म करते हो ना क्रॉस चेक करते हो बिल्कुल विश्वास तो कर नहीं लेते कि हाँ टीचर ही बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा तुम क्रॉस चेक करते हो जहां जहां तुमको आंसर पता होता है वहां जाके तुम करते हो ये तभी तुमको विश्वास होता है कि अरे वाह ये ट्रिक तो वाकई काम आया करते हैं सब करते हैं लेट्स बी ऑनेस्ट हाँ शिवम गुप्ता को नींद आ रही है ये सुबह से ही चल रहा है ना नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी देर में नींद आ रही है सो क्यों नहीं जाते रात को ये रात भर चैटे मारते रहते हो ना जो तुम तो तुम्हें सुबह तो नींद आएगी आए। अगर रात को सो गए होते फोन एक साइड पे छोड़ के फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकल के तो अभी नींद नहीं आ रही होती प्रॉब्लम यही है ना रात भर तो जागेंगे उल्लुओं की तरह पढ़ाई तो करेंगे नहीं फोनों में डूबे रहेंगे और फिर सुबह जब क्लास चल रही नींद आ रही है बहुत हो गया कितना पढ़े Tunky, एक एक बच्चा भगा दूंगी यहां से अब यहाँ पे देखो बात समझेंगे अब हमने ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमको पता चला कि भाई इसे मोलर मास निकल के आता है अब हम मोलर मास पहले किसी अननोन चीज पे थोड़ा लगा देंगे पहले हम उन मॉलिक्यूल्स में लगाएंगे जिनका मोलर मास हम जानते हैं तो जिनका मोलर मास हम जानते हैं उन पे लगाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए तो कुछ जगह तो इनका आंसर बिल्कुल सही आ गया साइंटिस्ट लोग की बात कर रही हूँ कुछ जगह तो इनका आंसर बिल्कुल सही आ गया कुछ जगहों पे हो गई गुगली इनके साथ जैसे तुम्हारे साथ हो जाती है रेपिड फायर में तो यहाँ पे इनके साथ गुगली हो गई आयनिक कंपाउंड्स को जब इन्होंने पानी में डिसॉल्व किया तो वो डिसोसिएट हो गए केट और एनाइंस में ये तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि मान लो अगर तुम के सी ग्राम डाल रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अंदर जाके के प्लस और सीएल माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा तो जब ये के प्लस और सीएल माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा तो आपको पता है कि आपको तो दो पार्टिकल मिल गए सोचो अब ध्यान से तुमको पता था के डालने पे के प्लस सीएल माइनस में चला जाएगा ये तो हमको दो पार्टिकल मिलेंगे हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है नेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करती ये न्यूट्रल है 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 कि आयनिक कोई मतलब मतलब नहीं है, कितना पार्टिकल है, उस पे मतलब है तो नंबर तो तो पे अब दो हो गया सॉल्व करोगे सॉल्व तो करके वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके तुमको यहाँ पे मिलेगी एक्सपेरिमेंट से वन पॉइंट जीरो फोर वैल्यू जब तुमने इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन चेक किया तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आया वन पॉइंट जीरो फोर वैल्यूज को तुम यहाँ पे सब्सिट्यूट करोगे सब्सिट्यूट करके मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास निकल के आएगा 74.5 अब तुमको समझ में आएगा अच्छा 74.5 आ गई वैल्यू तो इसका मतलब क्या है ये तो दो मोल के लिए था क्योंकि पार्टिकल तो डबल हो गया अंदर जाके तो हमारा तो आंसर दो मोल के लिए आया अब दो मोल के लिए आया तो हमको तो वन मोल के निकालना है आधा कर दो अब यहां से ये गड़बड़ हो गई जबकि KCL का मोल का ही जो एसोसिएट कर जाएंगे जैसे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं वो डायमराइज कर जाएगा बेंजीन में जाके ये बात समझ लो बेंजीन में जाके डाइमराइज क्यों कर रहा है क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और जो एसेटिक सॉरी एसेटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है ये तो नेचर में पोलर होगा तो ये आपस में इंट्रैक्ट करने की बजाय मतलब एसिड 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 बेंजीन के साथ नहीं करेगा। एसेटीक आसेट, एसेटीक आसेट के साथ साथ नहीं करेगा करेगा एसिटिक एसिटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एसोसिएट हो जाएगा और हमको क्या लग रहा है कि भाई हमने तो डाले हैं दो एसिटिक एसिड के पार्टिकल दो एसिटिक एसिड के पार्टिकल बेंजीन में जाते ही आपस में एकजुट हो गए अब इनका ग्रुप बन गया अब ये दो अलग पार्टिकल तो रहे नहीं ये तो डाइमर बन गए एक साथ जुड़ गए ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे अब तुम यहाँ से मास निकालोगे फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा तो क्या हो गया ट्रिक नहीं लग रही है ना जैसे हम टीचर कहोगे ट्रिक सीखते हैं हम लगा के जाके देखते हैं हमें लगता है यहाँ तो लग ही नहीं रही है मैम ने तो कहा था ये लग जाएगी अब ये लग नहीं रही है फिर तुम टीचर के पास वापस जाते हो उसको ऐसे जताते हो कि देखो तुम्हारी ट्रिक यहाँ यहाँ फेल हो गई फिर टीचर तुमको समझाता है अरे बाबा ये बोला था यहाँ तो लगानी नहीं थी और अगर यहाँ लगानी थी तो ऐसे लगानी थी तो यहाँ पे भी यही चीज समझ में आई होगी इनको कि वैल्यू जो हमें अलग मिल रही है वहां से जो मोलर आ रहे हैं हम उन्हें बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास मासनॉर्मल मोलर मास को एक्चुअल मोलर मास से रिलेट करने के लिए वैंड हॉफ ने इनके दिमाग को एलाइटन किया इनको समझाया कि भाई तुम लोग क्या गलत करो भाई लोग अब भाई लोग ने सब कुछ सही किया सो वैंट ऑफ करेक्शन फैक्टर आया विच इज आई इसको ऑफ करेक्शन फैक्टर बोलते हैं कुछ लोग इसको आयोटा भी बोलते हैं हम उस बहस में पढ़ेंगे ही नहीं ये आई है कि आयोटा है जो तुमको मन करे तुम बोल दो इसमें बहस करने की कोई बात ही नहीं है हमको आई जैसा लग रहा है आई बोलने में टाइम भी कम लगता है हम आई बोलते हैं कई बार ऐसा भी होता है कुछ टीचर्स तुमको स्पेशली सिखाएंगे आयोटा होता है आई डोंट केयर बोल दो आयोटा तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आई निकाल दिया आई जो करेक्शन फैक्टर है ये आई करेक्शन फैक्टर कैसे आएगा यहाँ पे हम जो नॉर्मल मोलर मास है उसको जो नॉर्मल मोलर मास है उसको एब नॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर दो या फिर जो ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उसको कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो या फिर जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है उसको बिफोर से डिवाइड कर दो तो ये कुछ तीन तरीके हैं यहाँ से वैंट ऑफ करेक्शन फैक्टर निकालने के फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा है मोलर मोलर मास मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और जो आपने कैलकुलेट किया प्रॉपर्टी ये आपने जो एज्यूम करके थ्योरेटिकली वैल्यू निकाली थी वो है सो कैल्कुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो आपने थ्योरेटिकली बिना किसी चीज को जाने बूझे जो आंसर निकाला Theoretically, वो हो गई, calculated और मतलब हो गई गई और और मतलब मतलब से क्या मिला और abnormal molar mass का मतलब जो आपने experimentally determine किया वो और normal मतलब जो मैंने मोलर मास करके निकाल लिया तो यहाँ से हमको समझ में आया कि आई की वैल्यू एक्वेस केसीएल के लिए टू हो गई और एसिड और बेंजीन के लिए वैल्यू पॉइंट फाइव हो गई यानी सम पार्टिकल्स गॉट एसोसिएटेड एंड सम गॉट डिसोसिएटेड अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो हमने क्या किया हमने सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो करेक्शन फैक्टर यूज कर लिया तो मेरे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूला में आई आ गया तो ये आई मैंने यूज करके ये नए फार्मूलाज बना लिए तो पीछे पड़े गए सारे फार्मूलाज में बीच बीच में आई लगा दो तो ये नए फार्मूलाज बन गए हैं ये नए फार्मूलाज तुमको यूज करने होते हैं जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाए अब गलतियां नहीं करेंगे अब हमको समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स में हमेशा ये फार्मूला यूज होंगे जिस भी केस में वो तुमको कोई भी क्वेश्चन देते हैं यू विल यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला ठीक है क्लियर हुआ मैं शुभ हूं <laughs> फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैम ट्रोल कर देती है अब ये क्या था मतलब नाम ही ऐसे मैं शुभ हूं अब तुम शुभ हो तो ठीक है बेटा तुम सीधा अगर तुम शुभ भी रख लेते तो हमको पता चल जाता कि तुम शुभ हो अब जैसे ये ध्रुव है अब ध्रुव ने अपना नाम डॉक्टर ध्रुव गांगुली करके सेव किया हुआ है तो मुझे पता चल रहा है ना ये ध्रुव है मैं शुभ हूं ये नाम पूरा लिखा तो चलो पता चल गया कि तुम शुभ हो अब ये धर्मेंद्र है तो मुझे पता चल रहा है कि धर्मेंद्र है कैसे नौटंकी इतनी इतनी नौटंकी लाते कहां से हो मुझे कभी भी जाना है वहां मुझे जाना है कभी वहां जहां से तुम इतने नौटंकी उठा के लाते हो क्या होलसेल में मिल रही है कहीं ये <laughs> अब जैसे निहाल बता रहे नहीं मैं निहाल हूं चलो बहुत बढ़िया क्या चाहिए मैम लखनऊ में न्यू लाइट का ऑफलाइन सेंटर है प्लीज बताएं तो अब जो शुभ हो तो मेरी बात सुनो तुम कमेंट करके भी ये चीज पूछ सकते हो छोटी मोटी बातों के लिए कॉमेंट किया करो आपको बिल्कुल विद एड्रेस अगर लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर होगा बेटा विद एड्रेस कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा अभी लाइव चैट में मेरे को एड्रेस नहीं रटा हुआ ये रिशु कह रहा है आजकल अब यही ट्रेंड हो गया सब लोग ऐसे ही कर लो मैं ये हूँ तो अब मैं से, मैं भी अपना वो नाम चेंज करने वाली हूँ मैं लिखने वाली हूँ मैं भावना हूँ शुभ तुमने कॉमेंट किया था कौन से तुम एक काम करना इस वीडियो के नीचे दोबारा कमेंट करना फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी ठीक है या टेक्निकल टीम रिप्लाई कर देगी <laughs> नम्रता कह रही है अगर कोई लाभ हो तो वो भी वो भी बता दे अभी ये शुभ है अभी कोई लाभ भी हो तो बता दो ठीक है क्लियर हुआ थैंक यू सो मच शुभ तुमने हमें इतना हंसाया हमारा खून इतना बढ़ाया सो हम सब हम सब इंक्लूडिंग मी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू ऐसी छोटी मोटी चीजें क्लास में होती रहती हैं तो बिल्कुल लाइफ में जीने का आनंद आता है ठीक है कि हाँ भाई लाइफ में कुछ तो है मजेदार बढ़ रहा रहा है है मजा आ रहा है। तो बेटा पूरा नाम लिख लो तुम पूरा नाम लिख लो नहीं तो तुम सीधा शुभ भी लिख सकते थे ये मैं शुभ हूं का क्या मतलब चलो एवरीबडी एवरीबडी इज नाउ हैप्पी हमको टॉपिक भी समझ में आ गया और हमने थोड़ा बहुत हंस भी लिया है अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे तुमको एक दो छोटे से फॉर्मूलाज लिख के दे रही हूँ एन में शायद नहीं है एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले हाँ जी नहीं है चलो यह फॉर्मूला लिख लेते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन uh, के फार्मूलाज लिख लो पेपर में न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगा एसोसिएशन के केस में आई निकालने के लिए वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अल्फा दिस इज द एक्सटेंट दिसोसिएशन चालीस परसेंट एसोसिएट किया या 20% एसोसिएट किया ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है एंड सिमिलरली फॉर डिसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में आई कैलकुलेट करने का हो फॉर्मूलाइनस वन अल्फा ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो जिसमें यहाँ पे देखो अल्फा क्या है अल्फा अगर एसोसिएशन का केस है तो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन है और अगर डिसोसिएशन का केस है तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा और यहाँ पे एन क्या है कितने पार्टिकल्स में एसोसिएशन हो रहा है मतलब वो डाइमर बना रहा है तो डाइमर मतलब एन की वैल्यू टू लोगे ट्राइमर बना रहा है तो एन की वैल्यू थ्री लोगे टेट्रामर बना रहा है तो एन की वैल्यू फोर लोगे और यहाँ पे एन का मतलब है कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है जैसे के दो पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ तो उसकी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है क्लियर है ये एसोसिएशन डिसोसिएशन इसके ये फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली यूज करके आई निकाल सकते हो एंड यू कैन यूज दी फॉर्मुलाउट uh, वे फिर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए आई की वैल्यू दे रखी है अब अगेन तुमको ये table learn नहीं करना है इस टेबल में एक चीज दिमाग में सोचो जरा पे दिमाग लगाएंगे वैल्यू हमको लर्न नहीं करनी है मैं सिर्फ तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान डलवाना चाहती हूँ ये वाला जो इतना पार्ट मैंने जो इतना मार्क किया ना इतना पार्ट फोकस करो सिर्फ इतने से पार्ट को फोकस करो एंड टेल मी डाइल्यूशन का आई से क्या वास्ता है सोचो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट मतलब डाइल्यूशन का आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया किसी भी सॉल्यूशन को तो उसका आई से क्या वास्ता है यहाँ पे देखो इन पर्टिकुलर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है सिर्फ उनके लिए मैं बात कर रही हूँ जो डिसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करो कॉन्सेंट्रेशन के साथ आई को रिलेट करो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ आई को देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी तो मतलब डायल्यूशन बढ़ रहा है तो डायल्यूशन बढ़ने से आई की वैल्यू देखो क्या हो रही है डायल्यूशन बढ़ने से आई की वैल्यू देख लो क्या हो रही है बढ़ रही है तुमको बढ़ती दिख रही है कि नहीं दिख रही है वैल्यू बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं आई का वैल्यू डाइल्यूशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स इनवर्स बोल रहे हो हो ये तो नींद नींद में हो तुम तुम शिवम मुझे पक्का पता है सो चुके हो जाओ मुदो के आओ जागो और फिर आंसर करो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा है कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूछा जाता तो इनवर्स रिलेशन बताते अभी तुम सवाल नहीं सुन रहे क्योंकि तुम्हें नींद आ रही है यही प्रॉब्लम होती है जब ज्यादा नींद आए ना आलस करो फिर यही प्रॉब्लम होती है अब देखो पढ़ लो यहाँ डायल्यूशन जो है अगर बढ़ाओगे तो आई बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो मतलब आई की वैल्यू बढ़ रही है हाँ कॉन्सेंट्रेशन से बताया तो क्यों बताया था जब पेपर में सवाल आ रहा है कि वो डायल्यूशन से पूछ रहे हैं तो तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्यों बताओ जो पूछा जा रहा है वही बताओ मैंने क्वेश्चन में पूछा कि डाइल्यूशन और आई का क्या रिलेशन है तो तुम्हें वही बताना है तुम कुछ और बताओगे तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे क्योंकि तुम क्या बता रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे एग्जामिनर जो क्वेश्चन में पूछता है उसको उसी से मतलब होता है तुमको कुछ भी बताना है तुम्हारे कुछ भी बताने से नहीं चलेगा सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या पूछा जा रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन से पूछते इनवर्स वर्स डायल्यूशन से पूछा तो डायरेक्ट एंड सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बोला कि रफली सबके लिए वैल्यू यहाँ पे हमको टू दिख रही है बट अगर हम पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन वाइज देखें तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ वेर वेल्यू थोड़ा वेरी करता है लेकिन हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं ना हमको इससे बहुत ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है या तो हमको अल्फा दिया हो तो हम एग्जैक्टली exactly निकालेंगे अगर हमको अल्फा नहीं दे रखा होता है तो हम अल्फा को हंड्रेड परसेंट एज्यूम कर लेते हैं अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा गिवन ना हो नॉट गिवन ध्यान देखो अगर अल्फा गिवन ना हो तो तुम उसको हंड्रेड परसेंट एज्यूम कर लोगे ये बात भी ध्यान रखना कई बार अल्फा गिवन नहीं होता क्वेश्चन में यू टेक इट एज हंड्रेड परसेंट पहले मैंने कॉन्सल्टन से पूछ लिया था नहीं मुझे नहीं लगता मैंने बोला था कॉन्सल्टेशन दे रखी उसको देखो और डाइल्यूशन के साथ बताओ चलो अच्छा बहस मत करो अब अब बाद में वीडियो देखेंगे फिर सोचेंगे मैम ने क्या पूछा था अभी मैम को भी याद नहीं मैम ने क्या पूछा था अभी फीलिंग आ रही है कि डाइल्यूशन से पूछा था चलो अब बेंजोइक एसिड की बात करते है यहाँ एसिड का दो ग्राम है पच्चीस के अंदर घोल दिया गया है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया है दे दिया गया है परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहे हैं तो देखो कुछ भी तुमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज के भाव मतलब अल्फा पूछ रहे हैं अल्फा पूछ रहे हैं तुम इसके लिए पहले आई निकाल दो सारा का सारा वैल्यू जो तुमको दे रखा है पुट करो पुट करने के बाद यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दो एक बार तुमने आई निकाल दिया तो तुम एसोसिएशन का केस लगा सकते हो एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने तुम्हें बताया वन प्लस एन माइनस वन अल्फा यहां से अब आई पे कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड डाला जा रहा है यानी ये तो पोलर है और ये यहाँ पे नॉन पोलर है यानी एसोसिएट कर जाएगा ये तो मैं यहाँ से एसोसिएशन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ कि ये डायमर अच्छा लिखा भी है कि डाइमर बनाना है तो एन की वैल्यू टू लो तो वन प्लस वन बाय टू माइनस वन इन टू अल्फा ये वैल्यू आपने निकाल ली होगी ये यहां पे पुट कर दो और यहां से अल्फा निकाल दो ठीक है क्लियर हुआ चलो पहले से डिप्रेशन में हूं केमिस्ट्री भी डिप्रेशन स्टडी कर रहे हैं ओहो इतना डिप्रेशन में मत जाओ कोई नहीं है अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोको लाइफ इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल ऐसे डिप्रेशन में कुछ नहीं रखा है ठीक है और भी लाइफ में बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी है अब ये क्वेश्चन भी सिंपल फॉर्मुला बेस्ड है यू कैन ऑल डू दिस एंड दिस एंड्स द चैप्टर खत्म हो चुका है चैप्टर हमने पढ़ लिया है बढ़िया से अब मंडे का रूटीन सुन लो एक बार ध्यान से मंडे को जो ट्यूसडे को टेस्ट होने वाला है ट्यूसडे का टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रैपिड रिविजन हम लोग करेंगे मंडे को वही 12 बजे 12 बजे की क्लास होगी और रैपिड रिविजन हम लोग करेंगे ठीक है क्लियर है सॉर्टेड है और ये पूरी जो सीरीज है ना इसका प्रिया मैम का भी और मेरा भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे चैनल है न्यू लाइट नीट जिस आप वीडियो देख रहे हो उसके प्ले सेक्शन में जाओगे तो आपको एक इलेवेंथ क्लास का पूरा प्ले दिख जाएगा बाय प्रिया मैम क्लास का पूरा दिख जाएगा बाय भावना मैम केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी आपको प्ले दिख जाएगा सो so, जो बच्चे इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टार्टिंग है वो ये प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं अभी मैम ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म कर दिया है आज और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन वाला चैप्टर खत्म कर दिया है मंडे को मैं रैपिड फायर रिवीजन कराऊंगी एंड फिर हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ओके ठीक है हाँ लखनऊ सेंटर के लिए बेटा कमेंट कर दो फिर आपको अगर होगा तो पूरा जो एड्रेस है वो टेक्निकल टीम गाइड कर देगी ठीक है कमेंट आप कर दो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अभी ये लाइव चैट है इसको मैं बंद कर रही हूँ ठीक है ओके बाय टेक केयर सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन